हाय फ्रेंड्स, आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है सेंचुरी का 22 इंच का एक एलसीडी है जिसका फॉल्ट है, नो इंडिकेटर। तो इसका जो पावर सप्लाई है टोटली बर्न हो गया, जल गया है, देख सकते हैं। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। सो ये अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा इसका चॉपर भी ख़राब है। सो कस्टमर को थोड़ा जल्दी था तो मैंने इसके जगह एक इन्वर्टर बोर्ड लगाया और इसका साउंड आईसी भी ख़राब था। सो एक साउंड मॉड्यूल भी लगाया है और एक 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाया और टीवी मेरा ओके हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये इन्वर्टर लगाया है एलसीडी को जलाने के लिए, सीएफएल को। और ये 5 वोल्ट मैंने 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाया है, इस मदरबोर्ड पे इनपुट किया है 5 वोल्ट, जो कि उस पावर सप्लाई में 12 वोल्ट के बाद 5 वोल्ट निकला हुआ रहता है। तो इसलिए मैं एक कन्वर्टर लगाया है, बक कन्वर्टर 5 वोल्ट को निकलने के लिए है। सो इससे इसका 5 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए एक एडाप्टर लगाया है 5 एम्पीयर। सो यहाँ पर देख सकते हैं, और साउंड के लिए एक साउंड मॉड्यूल भी लगा दिया है। अभी टीवी हमारा परफेक्ट चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट है और यही 12 वोल्ट से जो 5 वोल्ट निकला हुआ रहता है उस 5 वोल्ट से हमने साउंड मॉड्यूल को ऑपरेट किया है। सो अभी बिल्कुल ओके है, मैं दिखाता हूँ, वीडियो को देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं साउंड ऐसे बर्न हो गया है। सो इसका जो यहाँ पर साइड में फ्यूज रहता है उसको मैंने ओपन कर लिया है सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के लिए, नहीं तो मेरा 12 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा था साउंड आईसी शॉर्टिंग की वजह से। तो इसको मैंने निकाल दिया है, अभी शॉर्टिंग हट गया। सो ये हमारा साउंड मॉड्यूल है 5 वोल्ट का। दो स्पीकर लगा दिया है इसमें और ऑडियो का एलआर भी डायरेक्टली बोर्ड से ट्रैक को कट करके यहाँ पर लगा दिया है, जंपर करके यहाँ से इस दो पिन को अंदर से नीचे से कट कर दिया है और यहाँ से सोल्डर करके यहाँ पर जोड़ दिया। सो अभी इसमें पावर देके थोड़ा देख लेते हैं हम, टीवी हमारा चला है या नहीं। फ्रेंड्स देख सकते हैं सारे इसमें उसका पुराना वाला ख़राब था। सो हमने टीवी को पावर दिया है, इंडिकेटर जल गया, देखिए ऑन हो गया, देखिए वीडियो कॉल लिखा हुआ आ गया। तो इसको हमें अभी सेट करना पड़ेगा अच्छे से, इसके बाद हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे हम। देखिए पिक्चर भी ओके है, बिल्कुल कोई भी इशू नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।